नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज लाइव। अभी हम सिवान शहर के शिव भरसा के मंदिर छठ घाट पर मौजूद हैं, जहां पर संस्कार भारती के द्वारा दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया है और देख सकते हैं कि यहां पे 5100 दीप जलाए गए हैं। संस्कार भारती हमेशा संस्कार देने का काम करती है, ऊर्जा देने का काम करती है। संस्कार भारती के लोगों का कहना है कि दीप जो निकलता है उससे लोगों में ऊर्जा आता है और वातावरण भी शुद्ध होता है। संस्कार भारती हमेशा जो RSS का एक अंग है, संस्कार भारती हमेशा एक ऐसे जगह पे दिवाली दीपोत्सव मनाती है जो जिसे हर लोग दीपावली में अपने घर की सफाई करते हैं, अपने मोहल्ले की सफाई करते हैं, लेकिन जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पे कोई सफाई नहीं करता है। तो संस्कार भारती उस जगह पे कार्य करती है जहाँ पे कोई काम नहीं करता है। और इनके जो सदस्य, उनका कहना है कि ये सिवान का छठ घाट है जहाँ की वातावरण को यहाँ शुद्ध करने के लिए, खासकर यहाँ पे जो पूरी सफाई करके यहाँ पे 5100 दीप जलाया गया है। और संस्कार भारती की पूरी टीम, युवा की टीम और जो भी कार्यकर्ता है यहाँ मौजूद हैं। और आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह का काम संस्कार भारती करती है और कितना दीप जलाया गया है। ये संस्कार भारती एक तरह से लोक संस्कार को जगाने का कार्य करती है। अभी तक लोगों को ये समझ में आता था कि ये संस्कार या कला का क्षेत्र वो विशिष्ट लोगों का क्षेत्र है। वास्तव में ये जन सामान्य में भी प्राकृतिक रूप से कला की थोड़ी मात्रा वर्तमान रहती है, उसको उभारने की कोशिश। ये कला किस रूप में आना चाहिए ये भी फिर ध्यान देने की बात रहती है। तो जितने सार्वजनिक स्थल हैं उनको भी हम सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, साफ सुथरा कर सकते हैं। इसलिए समाज का एक दायित्व बोध, इसको जगाने का एक दूसरा काम हो जाता है। इसके साथ साथ वैसे प्राकृतिक रंगों से जो अस्थाई रूप से कोई छाप न छोड़ते हों लेकिन दिलों में उत्साह, उमंग और रंग का उमंग भर देते हों, ऐसे रंगों से सजावट का, कला का भी काम होता है और सार्वजनिक स्थलों पर होता है। इसमें कोई लाभ हानि नहीं, कार्यकर्ता अपने से व्यय करते हैं। तो जब कभी अपनी इच्छा पूरी होती है तो खुशी होती है, और जब हम किसी दूसरे को प्रसन्न करने के लिए और उसकी प्रसन्नता में खुश हो जाते हैं, ये आनंद की स्थिति है। तो भारत ने सत चित आनंद के रूप में एक परमात्मा के रूप की कल्पना की है। वो आनंद की स्थिति यानी सेवा कोई करे और आनंद सबको हो जाए, ये संस्कार भारती के माध्यम से सबके मन में आनंद का ये स्वरूप अस्थाई रूप से विकसित करने की कोशिश करती है। इसलिए सभी कार्यकर्ता, सबके अपने घर परिवार हैं लेकिन छोड़ के समाज भर का काम करने निकले हैं, ये बड़ी बात होती है। और स्वतः स्फूर्त इस तरह समाज जागरण का कार्य, ये भारत की परंपरा है। पुराने मंत्रों में कहा, वयम राष्ट्रे जागृयामः पुरोहिताः। ये राष्ट्र को जगाने निकले हुए लोग हैं। ये वास्तव में पुरोहित शब्द इन लोगों के लिए सार्थक है। मिट्टी का दीप जला के एक मैसेज भी दिया गया है कि देसी अपनाएं। हाँ, यहाँ पे जैसे जो गरीब तबके के लोग हैं, दीप जलाने से क्या होता है कि चाइनीज का एक तरह से बहिष्कार हो। ना, बहिष्कार ही नहीं है, इसके पीछे बहुत सुंदर संस्कार है। इसमें जो तेल जलता है या घी जलता है ये प्रिजर्वेटिव है बायोलॉजी के हिसाब से, और हवा में इसका जो धुआं बनेगा ये वायरस, बैक्टीरिया इत्यादि चीज़ों को रोक के समाज के स्वास्थ्य को विकसित करने का, सुरक्षित करने का कार्य करता है। और आपको भी ध्यान में होगा, जो चीज़ ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट से छूट जाए यानी तेल में डुबा दिया जाए, जैसे अचार है, उसकी आयु बढ़ जाती है। तो वैसे ही उसको सूक्ष्म रूप में वातावरण में फैला के और रोग पैदा करने वाले, जिसको पैथोजेंस कहते हैं, वैसे जीवों का विकास रोक दिया जाए, ये भारत की बड़ी अच्छी परंपरा है। तो मात्र ये दीपक जलाना नहीं है, मात्र ये अंधकार से प्रकाश की ओर जाना नहीं है, मात्र ये लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। भारत ने रोग का विज्ञान नहीं पढ़ा था, आयु का विज्ञान पढ़ा था। तो लंबी आयु तक सारे लोग विकसित होते रहें, कार्य करने के लायक रहें, ये परंपरा इस तरह के दीप उत्सव के माध्यम से आज हम देखते हैं कि लोग भी जागृत हैं, कर रहे हैं। ईश्वर इनकी योजना को सफल करेगा, इसी शुभकामना। अपने घर दीप जरूर जलाएं, अपने घर भी जरूर जलाएंगे और सार्वजनिक स्थानों पर भी सफाई जरूर करेंगे। ये महत्व का विषय है क्योंकि दीपावली के माध्यम से हम सफाई का भी, सफाई के माध्यम से स्वास्थ्य का भी, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के कई कार्य एक साथ पूरे होते हैं और साथ साथ आनंद की सृष्टि होती है।
राष्ट्रीय स्वयं संघ के एक अनुयायी संगठन संस्कार भारती संगठन एक है जो कला के क्षेत्र में और लोगों को कला के माध्यम से संस्कार डालने का काम करती है बच्चों में। उन्हीं का ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हो रहा है। जो हमारे देश में जितने भी सार्वजनिक स्थल है उसको कोई सफाई या ध्यान देता नहीं है। लोग तो अपने घर को साफ करते हैं, अपने मोहल्ले को साफ करते हैं और वहाँ पर दीप जलाकर दीपावली मनाते हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थल छठ घाटों को जैसे जगहों को साफ लोग कहीं नहीं करता नहीं। ये संस्कार भारती प्रत्येक वर्ष करता है और इस वर्ष भी आज ये घाट की सफाई करके दीप उत्सव का कार्यक्रम हो रहा है और संस्कार भारती के जितने भी पदाधिकारी हैं सब धन्यवाद के पात्र हैं और इसमें जो भी बन सकता है हम लोग सहयोग करते हैं लोग। और आज उन्हीं का देन है कि ये छठ से पहले ये घाट इतना अच्छा सुंदर साफ है और देखिए कितना अच्छा चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे संस्कार भारती और संगठन के संघ के लोगों को जो ये कार्यक्रम करते हैं लोग। नमस्कार, संस्कार भारती आप प्रत्येक मीडिया कर्मियों का हार्दिक स्वागत करता है। ये सिवान नगर इकाई का आयोजन था सांस्कृतिक दीपोत्सव, और सांस्कृतिक दीपोत्सव की बात जब करते हैं तो दीपोत्सव और सांस्कृतिक उत्सव दो शब्द एक साथ मिला हुआ है, सांस्कृतिक और उत्सव। उत्सव देखा जाए तो बहुत ऐसे आयोजन होते हैं जिसको उत्सव हम लोग बोल देते हैं। कोई रोड पे खड़ा होके सिनेमा की धुन पे मनवा खटक हो जाए तो नैन मिलिए जे ऐसे कुछ शब्द है, उस गीत पर भी लोग थिरक सकते हैं, उसको भी इंटरटेन कर सकते हैं, उसको भी उत्सव कर सकते हैं। लेकिन संस्कार भारती जब उत्सव का आयोजन करती है तो उसके पीछे एक ही लक्ष्य होता है, जैसे पूर्व के वक्ताओं ने आपको सामने रखा है कि हम संस्कार की बात करते हैं, हम व्यक्ति के विचारों से जुटते हैं, लेकिन संस्कार भारती एक संगठन के रूप में काम करता है और व्यक्ति व्यक्ति को जोड़ता है, समरसता का एक प्रतीक रखता है समक्ष। और आज का ये आयोजन आप सबके समक्ष है कि यहाँ पे विभिन्न स्थानों से आए हुए लोग हैं, किसी कोई एक मोहल्ले से नहीं, कोई एक संगठन से नहीं, विभिन्न संगठन के विभिन्न स्थानों से लोग आके एक साथ सामूहिकता का परिचय दे रहे हैं और ये संस्कार भारती को बल मिलता है और सबसे बड़ा बल मिलता है आप मीडिया कर्मियों से। आज कितने दिए जलाए गए हैं यहाँ पे? 5100 का लक्ष्य था और अभी 5100 पूरा होने जा रहा है। देखिए, आज संस्कार भारती की तरफ से दीप उत्सव का यहाँ पे आयोजन किया गया था, इसके माध्यम से हम लोग पूरे घाट को रोशनी जगमग करने का प्रयास था। सभी लोगों ने मिलजुल कर एकता का परिचय दिया और सभी लोगों ने हम लोग व्यवस्था किया और अभी हम लोग दीप प्रज्वलित किए हैं और सारे लोग हम लोग 5100 का लक्ष्य था उसको पूरा करने का प्रयास किए लोग। अब यहाँ पे दीप उत्सव मनाया गया है, किस तरह से पूरा जगमग कर दिए इलाके को। यहाँ पे आप नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ पे लग ही नहीं रहा है कि अंधकार, यहाँ पे सिर्फ रोशनी ही रोशनी दिख रहा है और यहाँ पे रंगोली भी एक समझिए परिचय दे रहा है जितना सुंदर बनाया गया है। इसके रजनीश भैया को मैं बहुत दिल से धन्यवाद दूंगा, रजनीश भैया के माध्यम से उनके टीम सभी एकजुट होकर यहाँ पे इतना अच्छा रंगोली बनाए और हम सभी लोग एक होकर इस प्रोग्राम को सफल किए। ये संस्कार भारती की तरफ से दीप उत्सव का यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो पिछले साल भी हुआ था। इस बार यहाँ के कार्यक्रम के संयोजक हम लोगों ने अनमोल जी को बनाया और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग आराध्या चित्रकला रजनी जी के द्वारा हुआ। उनकी बच्चियाँ आई हैं, रंगोली बना रही हैं, दीप जलाई हैं, अपना उनका आर्ट स्कूल की बच्चियाँ सभी यहाँ मौजूद हुई हैं। यहाँ पे ये संस्कार भारती द्वारा यहाँ पे शिवरसा घाट पे ये दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि सारे दीप जो प्रज्वलित किए गए हैं एक ज्यामितीय संरचना को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं और हमारे कलाकार आराध्य चित्रकला के जो कलाकार हैं यहाँ पे रंगोली बनाने का काम किए हैं जो आपस में एक बहुत अच्छा समन्वय मिलके मतलब समन्वय स्थापित करके बहुत अच्छा यहाँ का माहौल बनाया हुआ है, तो काफी अच्छा लग रहा है। कितने दिए जलाए गए हैं और क्या कुछ बनाया गया? 5100 दिए लगभग जलाए गए हैं और देखने से लगता है कि आज बड़ी दीपावली है, वैसे छोटी दीपावली है, काफी अच्छा लग रहा है।